हाय, क्विक सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीसीएल के लाल एंड लाडली स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि सीसीएल रांची के द्वारा मेधावी छात्रों को दिया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि यह स्कीम क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या करने होंगे, और साथ ही साथ मैं इस स्कीम से रिलेटेड सारे वीडियोस को आप सभी के बीच लाऊंगा और स्कीम के बारे में आप सभी को बताऊंगा। तो सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब भी कोई भी इस तरह के रिलेटेड वीडियो लाएं तो सबसे पहले आपको पता चले। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि सीसीएल के लाल और लाडली का स्कीम क्या है और हम कहाँ से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप सीसीएल के लाल और लाडली स्कीम के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सीसीएल के वेबसाइट में जाना होगा, सीसीएल के लाल एंड लाडली के वेबसाइट में। तो उसके लिए क्या करें, आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप जो भी आपके पास है उसमें आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लें और उसमें सीसीएल का वेबसाइट जो कि लाल एंड लाडली का है, सीसीएल के लाल एंड लाडली .in, ये वेबसाइट है, इसको आपको अपने ब्राउज़र पर सर्च करना है और एंटर दबाना है। जैसे ही आप सीसीएल के लाल एंड लाडली .in वेबसाइट को सर्च करके एंटर करेंगे, आपको इस तरह का सीसीएल का लाल एंड लाडली का वेबसाइट ओपन होगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ सीसीएल के लाल एंड लाडली CSR इनिशिएटिव ऑफ सीसीएल। तो ये CSR के थ्रू रन किया जाता है इसमें सीसीएल के। तो उसका होम पेज इस तरह का है, आप यह वेबसाइट है, इसमें आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा लेटेस्ट अपडेट, जो कि आप देख सकते हैं कि अभी एक अपडेट है, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर सीसीएल के लाल एंड लाडली 2020 से 22 बैच के लिए जो है एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। और यहाँ पर नोटिस सेक्शन है, जहाँ पर आप कंप्लीट स्कीम के रिलेटेड जो भी नोटिस इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप एग्जामिनेशन रिलेटेड और रिजल्ट्स के नोटिस देख सकते हैं। पहले यहाँ पर अगर कोई इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ हो रही हैं स्कीम के थ्रू, तो यहाँ पर भी आप उसका नोटिस देख सकते हैं। और होम पेज में जो कि सबसे नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलुमनाई का पोर्शन है, अलुमनाई टेस्टिमोनियल है, जहाँ पर जो भी सीसीएल के लाल एंड लाडली के पुराने स्टूडेंट जो पास आउट स्टूडेंट हैं उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर किया हुआ है। तो यह इस तरह का होम पेज का ये लुक है। तो सबसे पहले मैं आपको इस स्कीम के बारे में बताता हूँ। तो क्या करना है, आपको वेबसाइट के अबाउट द स्कीम के मेन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, अबाउट सीसीएल के लाल सीसीएल की लाडली। तो इस स्कीम के बारे में यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, यह स्कीम सीसीएल के थ्रू रन किया जा रहा है अंडर इट्स CSR इनिशिएटिव, जो इनका CSR इनिशिएटिव है, इनके थ्रू जो है यह स्कीम रन किया जा रहा है। यह स्कीम जो है 2012-13 बैच से स्टार्ट हुआ था और जो कि अभी कंटिन्यू हुआ था उस समय केवल बॉयज़ के लिए, बट 2016-17 से इस स्कीम के तहत जो कि गर्ल्स स्टूडेंट को भी एजुकेशन दिया जा रहा है। और यह उन स्टूडेंट को दिया रहा जो कि अपना इंजीनियरिंग जो है कि IIT NITs में करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह है। अगर आप IIT का सपना देखना चाह रहे हैं, आप IIT का सपना देख रहे हैं और एक आप ITN बनना चाहते हैं, तो यह स्कीम आपके लिए दी बेस्ट है। तो इसके बाद है कि डिटेल्स ऑफ स्टडी सेंटर्स, इसके स्टडी सेंटर्स कहाँ कहाँ पर है। तो इस स्कीम के दो स्टडी सेंटर चल रहे हैं, एक है रांची सेंटर और दूसरा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर VC कोचिंग सेंटर। यानी इस स्कीम के थ्रू दो वे में ट्रेनिंग दिया जा रहा है, एक लाइव क्लासरूम ट्रेनिंग एंड सेकेंड है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोचिंग सेंटर्स के थ्रू दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रांची सेंटर के बारे में। तो इसमें क्या है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2, दो ग्रुप में स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। ग्रुप 1 में जो भी स्टूडेंट सिलेक्टेड होंगे उनका कंप्लीट एक्सपेंसेस जो है कि वो फुल्ली स्पॉन्सर्ड होगा सीसीएल के थ्रू। तो इसमें क्या है कि 11 मेल स्टूडेंट एंड 11 फीमेल स्टूडेंट सिलेक्टेड होंगे, जो कि सीसीएल कमांडिंग एरिया के 25 किलोमीटर के अंदर जो है कि वो रहते होंगे। तो जो भी इसमें सिलेक्टेड होंगे उनको क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
हु विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बोर्डिंग, उन्हें बोर्डिंग की फैसिलिटी भी दिया जाएगा, लॉजिंग, स्कूलिंग एंड कोचिंग, ये सारी फैसिलिटीज जो है उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा एट रांची सेंटर। उसके बाद है ग्रुप टू। ग्रुप टू में क्या है कि 8 मेल स्टूडेंट्स एंड 8 फीमेल स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर झारखंड स्टेट। तो ग्रुप टू के लिए जो है कि ऑल ओवर झारखंड स्टेट से 8 मेल और 8 फीमेल स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाएगा। ओनली कोचिंग क्लासेस एंड हॉस्टल फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू दीज स्टूडेंट्स एट रांची सेंटर। तो जो भी ग्रुप टू में स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनको केवल कोचिंग क्लास और हॉस्टल फैसिलिटी दिया जाएगा। स्कूल फी, फूड एंड अदर एक्सपेंसेस विल हैव टू बी बॉर्न बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्फ। तो जो भी ग्रुप टू में सेलेक्ट होंगे उनका स्कूल फी, फूड और अदर एक्सपेंसेस जो भी होगा उनका एक्सपेंसेस वो कम्प्लीटली उन्हें सेल्फ टेक केयर करना होगा। ठीक है, तो ये हो गई ग्रुप वन और ग्रुप टू की डिटेल्स। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोचिंग सेंटर जो कि सीसीएल के थ्रू जो है कि 3 कमांडिंग एरिया में जो कि बड़का सियाल एरिया विजय सेंटर रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए डीएवी पब्लिक स्कूल बड़का का नाम में प्रोवाइड किया जाता है। सेकंड विजय सेंटर जो है इनका नॉर्थ कर्णपुरा एरिया विजय सेंटर रांची डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है कि सेंट्रल स्कूल डकरा, सेकंड विजय सेंटर जो है इनका डकरा में रन होता है। और तीसरा जो विजय सेंटर है वो है ढोरी विजय सेंटर बोकारो डिस्ट्रिक्ट के लिए जो कि डीएवी पब्लिक स्कूल डोरी में रन होता है। तो ये 3 विजय सेंटर हैं जो कि इस स्कीम के थ्रू रन किए जा रहे हैं सीसीएल के थ्रू। तो क्या है यहाँ पे कि 3 कोचिंग सेंटर्स हैव बीन सेटअप वेयर इन क्लासेस आर कंडक्टेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो जैसा कि मैंने बताया कि इन जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्लासेस रन किया जाता है। तो आई होप कि आपको आइडिया एक लग गया होगा कि सीसीएल के लाल और सीसीएल की लाडली स्कीम क्या है और ये किन के लिए है। तो बेसिकली जो भी स्टूडेंट अभी 2020 में 10th बोर्ड अपीयर कर रहे हैं किसी भी बोर्ड से, वो है कि इस स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी डिटेल्स स्कीम के बारे में कि स्कीम है क्या। अब मैं आपको ले जाता हूँ और एक सेक्शन में जो कि एग्जामिनेशन सेक्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि इस ईयर का 2020 का जो भी कंप्लीट डिटेल्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन 2020 से 2022 बैच, 2020 से 22 बैच के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इस वेबसाइट पर। तो सबसे पहला क्या है, इम्पॉर्टेंट डेट एंड टाइम। तो इम्पॉर्टेंट डेट एंड टाइम की अगर बात करें तो अप्लीकेशन फिलअप जो कि है स्टार्ट हो चुका है एंड लास्ट डेट है अप्लीकेशन फिलअप करने का 29th February 2020। तो 29 फरवरी 2020 तक जो कि है इस अप्लीकेशन फॉर्म का फिलअप करने का लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड जो कि आप इसी वेबसाइट से जो है कि आपको डाउनलोड होगा जो कि आप कर सकते हैं 1 अप्रैल के बाद से, यानी 1 अप्रैल से यहां पर देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड आप इस एग्ज़ाम का अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो इसका होगा वो मोस्ट प्रोबली 2nd week of April में होगा और रिजल्ट जो है कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में अनाउंसमेंट होंगे। एंड क्लासेस जो हैं रेगुलर क्लासेस इसका 1st या 2nd week of June से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे कि पैरेलली ऑलमोस्ट डेट्स जो है कि टेंटेटिव हैं एक्सेप्ट लास्ट डेट ऑफ फिलिंग फॉर्म एंड स्टार्ट ऑफ फिलिंग फॉर्म। तो कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ पर इस वेबसाइट में विजिट करते रहें और पैरेलली इस पेज पर चेक करते रहें तो रिसेंटली जो है कि आपको रिसेंट जो भी अपडेट होंगे जो भी रिसेंट डेट्स होंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है एलिजिबिलिटी टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इंट्रेंस टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड विल बी कंडक्टेड इन 2nd week of April, द आंसर शीट विल बी OMR बेस्ड। तो आपका जो रिटेन एग्जाम होगा इस इंट्रेंस का वो MCQ बेस्ड होगा और OMR सीट पर होगा। ठीक है, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेबस, तो इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा। एग्ज़ाम का सिलेबस पहला पोर्शन होगा जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, पहला पोर्शन जो है कि जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का है। सेकंड है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के साथ 3 ये और पोर्शन होंगे जहाँ से आपको कम्प्लीट प्रिपरेशन करना है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के भी नाम दिए हुए हैं कि कौन से पोर्शन से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस इंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो आप यहाँ पर कम्प्लीटली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये तीनों सेक्शन का जो है आप क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं कि कहाँ से आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। देन क्या है यहाँ पर थर्ड पॉइंट ऑप्शन है, एलोंग विथ मार्क्स स्कोर्ड इन टेस्ट फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 80% मार्क्स इन CBSE, ICSE बोर्ड एंड एटलीस्ट 70% एग्रीगेट फॉर जैक बोर्ड इन क्लास 10th बोर्ड फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एंड एटलीस्ट 60% एग्रीगेट फॉर CBSE, ICSE एंड जैक बोर्ड्स फॉर VC सेंटर। तो जैसे कि मैंने अभी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बारे में जो डिटेल्स आपके साथ बताया, अगर आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में आना चाहते हैं और आप CBSE और ICSE बोर्ड से हैं तो आपको मिनिमम 80% 10th बोर्ड में आपको स्कोर करना होगा, और अगर आप जैक बोर्ड से बिलोंग करते हैं देन आपको मिनिमम 70% एग्रीगेट जो है कि मार्क्स आपको बोर्ड में लाने होंगे, तभी आप जो है इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। देन अगर आप जो है कि 60% मार्क्स अगर आपका आता है, अगर आप VC सेंटर में केवल आप अप्लाई करना चाहते हैं, फिर केवल VC सेंटर के लिए चाहते हैं, तो आपको मिनिमम 60% मार्क्स एग्रीगेट लाने होंगे, चाहे आप CBSE से हों, ICSE से हों या फिर जैक बोर्ड से हों। तो रिटेन टेस्ट प्लस आपका जो भी बोर्ड का मार्क्स है उसके बेसिस पे इंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट होगा वो फाइनल लिस्ट, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा, और उसके बाद जो है आपका फाइनल इंटरव्यू होगा, देन आपका फाइनल लिस्ट जो है कि इसका पब्लिश होगा, ठीक है। देन फर्दर इंफॉर्मेशन यहाँ पर है कि लाइक द फाइनल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो अ मेडिकल फिटनेस टेस्ट एट CCL। आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट द कैंडिडेट्स विल बी एनरोल्ड इन द स्कीम। तो स्टूडेंट्स का हेल्थ एंड और भी चीज़ों को टेक केयर करने के लिए CCL जो कि एक मेडिकल टेस्ट भी कंडक्ट करती है इनके लिए, और फिट स्टूडेंट को ही इसमें इनरोल करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है। फिलिंग दिस फॉर्म डज नॉट गारंटी एडमिशन इन CCL के लाल एंड CCL के लाडली। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स इन एंट्रेंस टेस्ट, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड फुलफिलमेंट ऑफ अदर क्राइटेरिया एज पर द स्कीम। तो अगर आप केवल फॉर्म फिलअप कर ले रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस स्कीम में सिलेक्शन जो है कि आपका मार्क्स आप कितना स्कोर कर रहे हैं एंट्रेंस टेस्ट में, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड जो भी क्राइटेरिया भी हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर में देखा, वो सारी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तभी आप जो है इस स्कीम के थ्रू आपका इनरोलमेंट किया जाएगा इस स्कीम के लिए। एन इनकम्प्लीट एडमिशन फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आप किसी भी तरह से अगर आप कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपका जो है कि फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक्सेप्ट इसके लिए नहीं किया जाएगा। पैरेलली अगर आप इस स्कीम के बारे में यहाँ पर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर किसी भी प्रकार का आपका कोई डाउट है, तो अगर आप उसको क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पर इनका हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप इन हेल्पलाइन नंबर में कॉल करके अपना सारा डिटेल्स जो की है आप ले सकते हैं। और दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो की है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, लाइक अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म कहीं से फिलअप करवा रहे हैं और इसके लिए अगर आप जो है कि कोई अगर यदि आपको कोई व्यक्ति बोलते हैं कि मुझे कुछ पैसे दीजिए मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस आपका जो है कि करवा दूंगा, इस स्कीम में सिलेक्शन करवा दूंगा, तो इसके लिए जो है कि कोई भी मनी नहीं ले जाता है। अगर आपको ऐसा कोई पैसे के लिए बोल रहा है तो आप इसका इन्फॉर्मेशन जो है वो CCL टीम को दे दें, आपको किसी भी प्रकार के लिए कहीं भी कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थे इस स्कीम के बारे में। तो आई होप आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स अभी तक आइडिया एक लग चुका होगा कि स्कीम क्या है, इसके क्या बेनिफिट है नहीं है। और तो जो भी 10th में बच्चे जो अपीयर कर रहे हैं उन्हें तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप डेफिनेटली इस स्कीम के लिए अप्लाई करें, क्योंकि ये आपको अगर आप साइंस के फील्ड में अपना करियर आगे बनाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली यह आपके लिए एक सुनहरा मौका है और इस मौके को जाने ना दें। तो मैं अपने अगले वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है कैसे फिलअप कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे इस एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए। तो ये सारे स्टेप्स एंड सारे प्रोसेस जो है कि मैं स्टेप वाइज
बताऊंगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो एक बार मैं फिर से, अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि कंप्लीट प्रोसेस एंड जानकारी जो है आप तक इजीली पहुंच जाए। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।